बिहार के हर पंचायत में स्कूल खोलने की योजना के साथ बिहार सरकार काम कर रही है, मगर पटना के इस वीवीआईपी इलाके हार्डिंग रोड में अगर बात कर ली जाए तो प्राथमिक विद्यालय सरदार पटेल गोलंबर के पास ये स्थित है। और यहाँ पर जो कही जा सकती है जो स्कूल पढ़ने आने वाले बच्चे हैं आज वो स्कूल नहीं जा रहे। पिछली 4 दिनों से यही स्थिति बनी हुई है। बच्चे पहले बाहर पढ़ रहे थे मगर जब मीडिया में खबर आई तो आज बच्चों का जो स्कूल है वो बदल दिया गया, मगर उस स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं। आप स्कूल में आए यहाँ पर, क्या आज पढ़ाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि स्कूल के बाहर बहुत सारा पानी जमा हुआ है, इसीलिए पढ़ाई नहीं हो रहा है। कितने दिनों से ऐसी स्थिति बनी हुई? 4-5 दिन से। 4-5 दिन से। आज नया स्कूल आप लोगों को मिल गया, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो सड़क है, वहाँ ढेर सारा गाड़ी चलता है, वहाँ पर कुछ न कुछ हो जाएगा तो मैम रिस्क नहीं लेंगे। मैडम बोल रही है आपको वहाँ पे जाने के लिए? हाँ। और आपके गार्जियन बोल रहे की वहाँ पे नहीं जाते, खतरा थोड़ा आपको रोड से लग रहा है? देखिए नया स्कूल जो है अलॉट किया गया है मगर वहाँ पे गार्जियन जो है उन्हें नहीं भेज रहे हैं। उनका ये कहना है कि सड़क काफ़ी व्यस्त है और यहाँ पर अगर बच्चे जाएंगे, क्योंकि 1 से 5 तक पढ़ने वाले छोटे बच्चे हैं और उनको ये समझ नहीं होगी कि कैसे बचना है और रोड पार करना है, तो इस स्थिति में अपने गार्जियन अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं वहाँ पर स्कूल में। क्या खतरा आप लोग को लग रहा है, क्यों नहीं? इसलिए सब अभिभावक का विचार है जो यहाँ मेरा खतरे है और वहाँ मेरा खतरे है, इससे अच्छा आज जब से पार्क में भराया है तब से यहाँ पानी लगता है, पहले पानी नहीं रहता था। तो जैसे मेरा बच्चा यहाँ 10 साल से पढ़ रहा है वैसे ही माने हमारा बच्चा पढ़ेगा रोड पर या पानी सूखेगा तो स्कूल में। तो आज पानी सूख गया है, थोड़ा सा पानी है। आज मेरा बच्चा सबको गार्जियन बोलता है मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ेगा। तो आप सरकार से कुछ मांग करेंगे? सब सरकार से मांग मेरा यही है, सरकार हमको ये करे तत्काली रास्ता बना दे आने जाने का। स्कूल का भवन सब ठीक है, बस रास्ता में पानी? हाँ, भवन ठीक है, भवन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने जाने का रास्ता बना दे जो मेरा बच्चा अभी टीचर दोनों अपना आ जाके आप स्कूल के बच्चों को यहाँ पर मैडम बाकी आते हैं मीडिया वाले जो नहीं जा पा रहे हैं, क्या कुछ क्या कह रहे हैं गार्जियन? उनके गार्जियन कह रहे हैं कि दूरी अधिक है, रोड है, इसलिए हालांकि हम तो सब बच्चा के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था भी हम कह रहे हैं कि चलो, लेकिन फिर भी जाए नहीं दे रहे, तब हम लोग क्या कर सकते हैं। ई रिक्शा तक लो हम लोग अपना खर्च ले जाने के लिए तैयार, लेकिन वही बात है 2-3 दिन पहले तक भी यही स्थिति बनी हुई थी। तो क्या यहाँ बाहर पढ़ाते थे आप लोग? अब जो है हाँ, जो 1-2 दिन तक ला, चूँकि अभी एग्जाम का टाइम था, थोड़ा भी लोग का पढ़ाना जरूरी था इसलिए। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? 96। और कितने दिनों से ये इनका क्लास डिस्टर्ब हुआ? नहीं, इधर 2 दिन जो बारिश रात में 2 दिन पहले बारिश हुई है ना, तब डिस्टर्ब हुआ, इस पहले नहीं डिस्टर्ब। परीक्षा पे भी कुछ छात्र नहीं पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उसका भी असर कुछ पड़ेगा? नहीं, 1-2 दिन से क्या असर पड़ेगा, पूरा दिन तो पढ़वे किया है, वैसा कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। मगर अभी आज तो पूरी तरह से बच्चे नहीं पढ़ रहे? नहीं, आज ऐसा डिस्टर्ब है, लेकिन कल परसों फिर स्कूल बंद है और तरसों तक हम समझते हैं कि पानी सूख जाएगा। पानी सूखने तक कहीं इंतजार, फिर बारिश हो जाएगी तो फिर यही स्थिति हो जाएगी। अब आकाश में कुछ आ ही जाएगा तो उसमें हम लोग क्या भूतला की बात है। देखिए स्कूल के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं और जो स्थिति जो उत्पन्न हो चुकी है, बच्चे जो है स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, बिहार सरकार इसको समझते हुए तमाम तरह के कार्य कर रहे हैं। सरकारी स्तर पर स्कूलें खोले जा रहे हैं, शिक्षकों की बहाली की जा रही है, मगर पटना जैसे जो कहा जाता है पौस इलाके में इस तरह की स्थिति कहीं ना कहीं उन प्रयासों पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस समय कैमरा पर्सन अनुपम के साथ मैं गौतम गौंड, कशिश न्यूज़, पटना।